अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के बुलढाणा से इंसानियत की ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां एक हिंदू परिवार ने अपने ही भाई का शव लेने से मना कर दिया, जिसके बाद गांव के ही एक मुस्लिम समाज के बुजुर्ग ने उसका अंतिम संस्कार किया। घटना बुलढाणा के रोहना गाँव की है, जहाँ अंकुश देशमुख नामक व्यक्ति की टीबी से मौत हो गई। जब शव को गांव लाया गया तो अंकुश के घर वालों ने उसका शव को लेने से ये कहकर मना कर दिया, कहीं इसकी मौत कोरोना से तो नहीं हुई। अंकुश के घर वालों के साथ साथ पूरे गांव वालों ने भी शव को एम्बुलेंस से बाहर लाने से मना कर दिया। उसके बाद इसी गांव के कमरुद्दीन नामक बुजुर्ग ने तहसीलदार और ग्राम सेवक के साथ मिलकर उसकी बॉडी को नहलाया और उसका अंतिम संस्कार किया। इसी घटना को लेकर तहसीलदार शीतल कुमार रसल ने क्या कहा, आप सुनिए। काल रोहना येथील अंकुश देशमुख ही व्यक्ति टीबी आजाराने मृत पावली होती आणि काल जेव्हा त्यांचा मृतदेह रोहना गावात आणला असता त्यांच्या कुटुंबाने त्यांना घेण्यास नकार दिला। नकार दिल्यामुळे आम्ही प्रशासनाकडून आमचे तलाठी शेळके, कोतवाल रावणकर आणि ग्रामसेवक शिपाई देशमुख यांनी मदतीने आणि त्यांना सहाय्यक म्हणून त्यांनी गावातील एक मुस्लिम व्यक्ती कमरुद्दीन यांनी सहाय्यतेने त्या देशमुख या व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कार विधी त्यांनी पार पाडला। वही मोहम्मद कमरुद्दीन ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। चर्चा हो गई कि कोरोना क्या है, तो फिर अब वो हमारे सेजार में कई आदमी निकल गया, चाहे वो कोई भी हो। फिर वो ड्राइवर वो उतारने के लिए बोले तो वहाँ जो लोग थे वो फंस गए, सब उतारने को किसी ने हाथ नहीं लगाया। फिर ड्राइवर बोले क्यों कैसा करके, बोला भाई मैं अकेला आदमी हूँ, अब मेरे अकेले से तो बॉडी नहीं उठने वाली, मैं भी हड़कुड़ आदमी हूँ। फिर वो अपने पांडे बाबा साहब भी आए, फिर चलो मैंने फिर वो डेटॉल लेके, अब एहतियातन मैंने डेटॉल थोड़ी लगा लिया। वैसा तो है वो टीबी का आदमी है, वो ये कोरोना का नहीं है, लेकिन लोगों को एक दहशत हो गई कि जो भी है कोरोना, बस यही प्रचार चल रहा है, कहीं का भी मिलो तो वो कोरोना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोगों का गलत समझ है, मैं तो भी ये समझता हूँ। तो वही हिसाब से इंसानियत के नाते ड्राइवर ने फिर बोले कि भाई चलो वहाँ उतार ले को, मैं कैसे जाऊँ। ड्राइवर ने भी मेरे पर जिम्मेदारी डाल के जाया, मैंने बोला भाई मेरे को तो रहना ही है ना, मेरे को रहना अगर नहीं रहता तो मैं वहाँ से ही नहीं आता था। जैसे लोग घर में छुप गए मैं भी घर में छुप जाता था, लेकिन मेरा काम वो नहीं, आज वो गया मेरे को भी कल जाना। तो आपने सुना, इस कोरोना महामारी के डर से लोग अपने ही परिवार के शव को लेने से मना कर रहे, वहीं एक मुस्लिम ने आगे आकर उसका अंतिम संस्कार किया, इंसानियत की मिसाल पेश की। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।